गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एडवांस पब्लिक स्कूल की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की बुक का पार्ट नंबर एक करेंगे। यह एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जो श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। देखें बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है कि एक छोटी चिड़िया को अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार वो भोजन को प्राप्त करती है और इन सब कठिनाइयों के होने के बावजूद भी वो कितने आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करती है। वह चिड़िया जो, यहाँ पर कविवर कहते हैं, उस चिड़िया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। देखो, जुंडी के दाने का अर्थ यहाँ पर है ज्वार के दाने। जब वो दाने कच्चे होते हैं तो उनमें दूध जैसा एक पदार्थ सफ़ेद सफ़ेद जो होता है वो महसूस होता है, ठीक है। तो चिड़िया उनमें चोंच मारकर बहुत ही खुशी से दूध भरे जुंडी के दानों को या जौ के दानों को खाती है, रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से अपनी इच्छा से और रस से बहुत ही खुश होकर या प्रसन्न होकर उन्हें खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर कहा गया है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह जो छोटी सी चिड़िया है वह संतोष से सब्र के साथ उसे जो कुछ भी मिलता है उसे खा लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली एक सुंदर सी चिड़िया है, उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्रेम है। अब हमारा अगला पहरा आता है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब अपने गले से, वह जो छोटी सी चिड़िया है वो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातर। अब यहाँ पर देखो, बूढ़े वन बाबा, यहाँ पर वन को बूढ़ा बाबा क्यों कहा गया, क्योंकि वो जो जिस वन का जिक्र किया गया है यहाँ पर वो बहुत ही प्राचीन वन है, ठीक है। की खातिर मतलब के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर का अर्थ क्या है, बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया का यहाँ पर क्या अर्थ होगा, मुँह बोली चिड़िया का अर्थ क्या होगा, वह अपने मन में जो भी चीज़ आती है उसे खुशी से गाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इस लाइन में विजन का अर्थ क्या होता है, एक सुनसान जंगल, ठीक है। यहाँ पर चिड़िया कहती है कि छोटी सी जो चिड़िया है वो उस इतने पुराने और ख़तरनाक जंगल के होने के बाद भी उससे न डरते हुए अपनी बहुत ही मधुर आवाज़ में, मधुर स्वर में क्या करती है, गाती है, ठीक है। और वहाँ पर जो भी अन्य जीव हैं उन सब का मन बहलाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे इस जंगल से बहुत प्यार है। अब देखो, यहाँ पर मैं एक बार आपको ऊपर वाले और नीचे वाले जो पैराग्राफ था, ये जो हमारी मुख्य लाइन है, पंक्तियाँ हैं, इनके एक बार शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। जुंडी जो यहाँ पर शब्द है, देखिए इसका अर्थ क्या होगा, जो या ज्वार या बाजरा आदि, ठीक है, उसके दाने। उसके बाद रुचि का अर्थ होता है क्या, इच्छा या पसंद। रस से का अर्थ होगा आनंद से या खुश होकर। संतोषी का अर्थ क्या होगा हमारा, सब्र से, ठीक है, सब्र कर लेने वाली। और अन्न का अर्थ क्या होगा, अनाज, ठीक है। अब हम नीचे वाला जो हमारा पंक्तियां हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे एक बार। सबसे पहला जो है हमारा, कंठ खोलकर, कंठ मीन्स क्या होता है, गला, और खोलकर मतलब निडर होकर, ठीक है, उसे जब वो गाती है तो उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। अगला है हमारा वन बाबा। वन बाबा के लिए यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया है, अति प्राचीन जंगल, ठीक है, अति प्राचीन
बूढ़े बाबा की तरह या बूढ़ा बूढ़े बाबा रूपी जंगल कह सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि खातिर, खातिर का अर्थ होगा के लिए, ठीक है, और रस का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, आनंद। उड़ेल कर का अर्थ क्या लेंगे हम, बिखेर कर। छोटी मुंह वाली का अर्थ क्या होगा, छोटी मुंह वाली छोटी सी और मंद आवाज़ वाली चिड़िया, ठीक है, और विजन का अर्थ क्या होगा, जंगल या सुनसान जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते उसे विजन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारी तीसरी जो पंक्तियाँ आती हैं उनको भी पढ़ेंगे एक बार। देखो बच्चों, वह चिड़िया जो चोच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन जो हो पहले वाली है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब यहाँ पर चढ़ी नदी का अर्थ क्या होगा, जो चाहे नदी कितने भी उफान पर क्यों ना हो, कितनी ही भरी हुई क्यों ना चल रही हो, तो भी वो चिड़िया जो है उस चढ़ी नदी के पानी में से मोती को चुन लेती है, उसकी तली तक जाकर मोती चुन लेती है, जल का मोती ले लेती है। ठीक है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया और उस चिड़िया को अपने इस कार्य पर बहुत गर्व महसूस होता है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया जो है उसे नदी से बहुत प्यार है या वह नदी से बहुत प्रेम करती है। ठीक है, इसमें अब हम देखो शब्द अर्थ देखते हैं इसके क्या क्या होंगे। सबसे पहले आता है क्या, टटोल कर। टटोल कर का अर्थ क्या होगा, ढूंढ कर। गर्बीली चिड़िया का अर्थ क्या होगा, गर्व करने वाली। ठीक है, अब इस कविता के बारे में आपको मैं कुछ विशेष बात बताना चाहूँगी। जो हमारे ऊपर जो दो पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं और एक ये जो पहरा हमने पढ़ा है, इसके बारे में सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक के अंदर संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद जो कविता के जो पहले दो अक्षर हैं, वह चिड़िया जो लिखकर फिर हम डैश 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 लगाएंगे और उसके बाद जो लाइन हमारी कॉपी का जो अंतिम वो आ जाता है पड़ाव, उस पर हम क्या लिखेंगे, बहुत प्यार है लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आएगा हमारा प्रसंग का। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले इस कोने पे लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग के बाद लिखना है ये काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और वो यहाँ पर चिड़िया के बारे में ये बातें कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसका सरलार्थ। ठीक है, सरलार्थ में हमने जो इस पंक्तियों में पढ़ा है हमें वही बात सारी लिखनी है। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये जो तीसरा पहरा है, इससे हमें इसका जो भावार्थ है मुख्य है वो क्या है कि चिड़िया क्या है, बहुत मेहनती है, वो इतने सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी बहुत ही खुशी से अपना जीवन जीती है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा पहरा था उसका हम भावार्थ देखो एक बार। दूसरा जो पहरा था उसका भावार्थ क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन जंगल में भी चिड़िया नहीं डरती और हंसी खुशी क्या करती है, अपना जीवन जीती है। और जो हमारा पहली जो पंक्तियां हैं उनके अंदर इसका भावार्थ क्या होगा कि चिड़िया क्या है, एक संतोषी है, उसे सब्र है, उसे जो कुछ भी खाने को मिलता है वो उसे खुशी से खा लेती है। अब अपने अभ्यास के प्रश्न देखें, जो भी हमने इस कविता में पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन इन वहीं से निकल आएंगे। ठीक है, कविता पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, आप अपनी इच्छा से इसका कोई भी नाम रखना चाहो। शीर्षक का अर्थ क्या होगा, आप जो भी इसका नाम रखना चाहते हो क्या रखना चाहोगे वो रख सकते हो। ठीक है, तो एक प्यारी सी चिड़िया हम रख सकते हैं इसका शीर्षक, इसका उत्तर ये लिख सकते हैं। इस कविता के तीसरा नंबर पर जो हमारा प्रश्न आएगा,
इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। जो जो चीज़ें उसने पीछे बताई है, वो दूध भरे चुंडी के दाने खाती है, नदी का दिल टटोल कर गा लेती है, ठीक है, मोती चुनती है, ये सारी बातें हमें इसमें करेंगे, ठीक है। उसे जंगल से बहुत प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है, ये बातें हम इस प्रश्न में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर पे है, कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुँह बोले और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है। ये हम कविता में से जो लाइनें दी गई हैं उनके आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आगे है आज से स्पष्ट करें, आज से स्पष्ट करें में जो हमने कविता की जो लाइनें पढ़ी हैं उसी तरह इनका उत्तर लिखना है। रस उड़ेल कर गा लेती हैं, मतलब बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल रहती है, अर्थात क्या, अगर नदी चाहे कितने भी उफान पर क्यों ना हो, वो उसके तली में पड़े हुए मोती को भी ढूंढ लेती है, टटोल लेती है, जल का मोती ले लेती है और जल रूपी मोती भी वो ले जाती है चुनकर, ठीक है। आज हम अपनी क्लास में इतना ही करेंगे, अगला हमारा जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।